अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हमने कॉन्सिड्रेशंस लेनी है। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर का रोल देखा, क्या है उसका रोल, उसको क्या करना चाहिए, और फिर हमने ना उसको दो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बताया, एक तो यूएसए की एसोसिएशन और एक ब्रिटिश एसोसिएशन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका रोल बताया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसमें इस चैप्टर में जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कोड्स ऑफ एथिक्स, जो अभी हम करेंगे। ठीक है, कॉन्सिड्रेशंस हैं। कॉन्सिड्रेशन यानी कि कॉन्सिड्रेशन का मतलब क्या होता है, होती क्या है कॉन्सिड्रेशन, यानी कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है, किन बातों की एहतियात करनी है, मद्देनज़र रखना है, अपने माइंड में रखना है, ये इन चीज़ों की हमने एहतियात करनी है। ठीक है, ये होती हैं कॉन्सिड्रेशन। ठीक है, अब इथिकल कॉन्सिड्रेशन होती है और लीगल कॉन्सिड्रेशन। इथिकल कॉन्सिड्रेशन मतलब कि वो जो इखलाकियात, जिन इखलाकियात को आपने मद्देनज़र रखना है, और लीगल कॉन्सिड्रेशन में वो चीज़ें जो जायज़ हैं, जिन चीज़ों की आपको ला इजाज़त दे रहा है और नहीं दे रहा। ठीक है, उनको आपने अपने ख्याल में, दिमाग में, थॉट में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इथिक्स की अगर हम बात करें तो इथिक्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, लॉ हैं। ठीक है, जो हमें ये बताते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इथिक्स हमारे पास, ऐसे प्रिंसिपल हैं यानी कि ऐसे उसूल हैं, और ऐसे लॉ हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि मॉरल एब्लिगेशन हमने किस तरह से पूरी करनी है, क्या हमारी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां, हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एज अ स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर, और एक अच्छे स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर होने के नाते, या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते, या अच्छे सपोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते, आपको ज़रूरी होता है कि आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रोटेक्ट करें। किसको प्रोटेक्ट करें, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो एथलीट है जिसको आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आपने उसको प्रोटेक्ट करना होता है इंजरीज से। सिर्फ आपने उसको इंजरीज से प्रोटेक्ट नहीं करना होता, बल्कि आपने वो ऐसे मार्केट के अंदर ऐसे दूसरे स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर जो कि अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है, क्या पता वो वैसे ट्रेनर हों कोई, ठीक है, वो स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर ना हो, ठीक है, तो आपने उनसे बचाना होता है, क्योंकि वो बजाय के ट्रेनिंग को उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी स्ट्रेंथनिंग को करवाने के बजाय वो उसको उल्टा काम करते हैं, डेल्टोरियस इफेक्ट आते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, अब ना क्या होता है कि ना बाकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आ सकती हैं जब आप इथिकल कॉन्सिड्रेशन को देख रहे होते हैं ना, तो डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। ठीक है, किस तरह आती हैं डिफ़िकल्टीज़, ये डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने बताई हुई हैं कि इसमें आपने ना इथिक्स का ख्याल रखना होता है, कि अगर तो पर्सन जो है, आप एथलीट जो है वो इंजरी है, उसको स्टिल अभी तक वो प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ, तो आप उसको स्पोर्ट की तरफ वापस भेज दो, नहीं ऐसा नहीं करना, आपने इथिक्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। फार्मास्यूटिकल थेरेपीज़ आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ताकि उसकी पार्टिसिपेशन में असिस्ट हो, ऐसा कोई नहीं करना आपने। इसके अलावा पार्टिसिपेशन चिल्ड्रन, आप कुछ ऐसी स्पोर्ट्स भी होती हैं जो बच्चों की होती हैं, ठीक है, तो वो हाई रिस्क स्पोर्ट है, और आप बच्चे को, आपके पास जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आपने उसको उससे उसको ना अलाउ नहीं करना, ठीक है, आपने उसकी जो सीक्रेट्स होते हैं उनको छुपा के रखना है, जैसे वो खुद छुपा के रखते हैं, ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स से आपने अवॉइड करना है, ना तो उसको खुद देनी है, अगर वो ले रहा है तो उसको कहना है ना ले, ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स ऐसी एनाबोलिक स्टेरॉइड और ब्लड डोपिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते होते हैं, तो आपने ना उसको कहना है कि ऐसा काम नहीं करना, ये इल्लीगल होते हैं लेना, ठीक है, डिफरेंट हार्मोन्स, पेप्टाइड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि ली जाती हैं ताकि परफॉर्मेंस इन्हेंस हो। अच्छा, अब ना अब वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए आप क्या करें, इथिकल कोड्स को फॉलो करें, अपनी प्रैक्टिस जो है इथिकल कोड्स के अंदर करें, उसके लिए आपने कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। ब्रिटिश वालों ने ना 5 कोड्स ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, अपनी स्कोप के अंदर रह के आपने प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आती आपने नहीं इंक्लूड करनी, ठीक है। दूसरा है लॉ एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है, ठीक है, जो आपकी स्टेट ने, अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ एंड रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में डिफरेंट होंगे, इंडिया में डिफरेंट होंगे, ठीक है, यूएसए में डिफरेंट होंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, आप जिस जगह पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपने वो जो रूल और जो लॉ है उनको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है अपने दूसरों की डिग्निटी को, राइट को, ठीक है, किसी के साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना, ठीक है, उसकी रेस पे, उसकी जेंडर की बेस पे आपने उसको
भाई अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, एक को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे को अच्छी नहीं कर दे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसके अंदर आपने क्या करना है, एजुकेशनल सर्विसेज, अगर आप एज एजुकेटर काम कर रहे हैं तो रिसर्चर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक तो खुद को भी एजुकेट करना है, दूसरों आपके अंडर जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं उसको अच्छे से एजुकेट करना है। आपने किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जो इलीगल हो, जो आपके रेलिवेंट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ये कोर्स ऑफ एथिक हैं टेबल 1-3 के अंदर, नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कह दीजिएगा, इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया जाता है लीगल कंसीडरेशंस हैं। लीगल कंसीडरेशंस जो आपने लेनी है ना, उसके अंदर क्या होता है कि लीगल कंसीडरेशन में अगर आप कानून वहाँ पर जो मतलब कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके ऊपर कोई लॉ सूट हो सकता है, कोई मुकदमा हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने सूट का वर्ड एक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, मुकदमा। तो आपने इसको रिस्क को कैसे, यानी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा कर रहे हैं कि आपका एथलीट कर रहा है, ठीक है, इसने मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई थी जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपने इसको किस तरह मेलियोरेट करना है, इसके रिस्क को कैसे ख़त्म करना है, कम करना है, कि आप एक तो कोर्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, दूसरा आप कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है अपनी करते रहें, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे भी होता है कि स्पोर्ट इवेल्यूएटर को इतना डरा दिया जाता है कि वो कर ही नहीं पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं दे पा रहा है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसको उसके ऊपर एक्ट ऑफ ऑमिशन लग जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि जिसमें उसने ट्रीटमेंट तो दिया है, उसको मैनेजमेंट तो की इंटरवेंशन तो दी लेकिन रॉन्ग दी, तो उसमें एक्ट ऑफ कमीशन लग जाता है उसके ऊपर। अच्छा, आगे आ जाता है कि पब्लिक राइट टू एक्सपर्टीज, के पब्लिक जो होता है ना उसका ये हक होता है कि उसको एक्सपर्ट बंदा ट्रीट करे, जो उसकी ट्रीटमेंट उसको दे रहा है ना वो एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के अंदर, ये उसका हक होता है, ठीक है। और आपने उसका हक ये उससे छीनना नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना यहाँ पे वो लीगल कंसीडरेशन में अब यहाँ पे आ जाता है कि प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है। प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है, जैसे कि एथलीट हो गया, और डिफेंडेंट वो होते हैं जिसके ऊपर केस किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट इवेल्यूएटर हो गया, कोच वगैरह हो गया, ठीक है। वो समझ लो कहता है कि इसकी निगलिजेंस की वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास निगलिजेंस क्लेम दैट शूड द फॉलोइंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर उसने जो है वो प्रॉपर नहीं दिया, ठीक है, ड्यूटी जो है वो जो उसकी ड्यूटी है, डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि वो प्लांटिफ को केयर दे, अगर नहीं दी तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है, उसने किसी लॉ को वायलेट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे केसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वो उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर के ऊपर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर। अब आगे आता है कि रिस्क एक्सपोजर टू लीगल लायबिलिटी, अगर रिस्क एक्सपोजर जो है ना कितना जो है रिस्क एक्सपोजर है, ठीक है, वो हम किस तरह से उसको जो है ना देखेंगे, ठीक है, आपने किस तरह से उसको इंगेजमेंट उसकी करनी है, ठीक है। इसके हमारे पास 4 मेन एरियाज जो है ना वो हैं। इसके प्री पार्टिसिपेशन, आपने क्या करना है कि अभी जो वो पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने एथलीट की एबिलिटी को चेक करना है कि अब इतना एबल है अभी कि ये अभी ये वाली एक्टिविटी कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके अलावा आपने जगह की इवेल्यूएशन करनी है, ठीक है, वो क्या वो जगह भी ठीक है कि नहीं है, ठीक है, या ना वो जगह सूटेबल ही ना हो तो उस केस में भी इंजरी हो सकती है। तो रिस्क को आपने असेस करना है, इसमें ये बात करें कि रिस्क को आपने असेस करना है ताकि इंजरी ना हो, और अगर आप रिस्क को असेस नहीं करेंगे तो उस केस में आपके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सन मेडिकल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, आपने उसकी अनजाने में भी उसकी ना जो है ना उसकी जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को नहीं बतानी, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे उन्होंने कह रहे हैं कि ना इस यहाँ पर क्या होता है कि जो है ना सुपरवाइज़र टीम वो फेल हो सकती है, किन केस में फेल हो सकती है कि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई, उसने इक्विपमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं किए, ठीक है, अगर उसने अगर अच्छे सुपरवाइज़र हायर नहीं किए, अगर उसने एडिक्यूट वार्निंग की जो वार्निंग जो है ना पार्टिसिपेंट को नहीं बताई, मेडिकल केयर नहीं की प्रॉपर, ठीक है, प्रॉम्प्ट, तो इन सारी केसेस में हो सकते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 6 मिस्टेक जो है ना वो करते हैं स्पोर्ट रिहैबिलिटेटर, ठीक है, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक तो उन्होंने बेस लाइन नहीं मेंटेन की। बेस लाइन में क्या होता है कि यानी कि एक्टिविटी करवाने से पहले या फिर उसकी ट्रेनिंग करवाने से पहले आप उसकी ना सारी रेंजेस चेक करते हैं,
उसकी एबिलिटी सारी पहले चेक करते हैं कि हाँ ये इतनी इस, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ कि पहले हमने ना, हमारे पास एक आया है, मैंने ना उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक किया पहले, ठीक है, उसकी एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन की रेंज ऑफ मोशन चेक किया मैंने पहले 45 आई है, ठीक है, तो मैंने उसकी बेस लाइन है ये, बाद में मैंने उसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई है तो वो अब हो गई है 50, ठीक है, थोड़े दिन के बाद मैंने देखा है तो वो हो गई है 50। तो अगर तो बेस लाइन मैंने नहीं की हुई तो फिर तो पता ही नहीं होगा कि पहले कितनी थी अब कितनी है, तो फिर फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब उसके अलावा पेशेंट की प्राइवेसी को आपने एक्सीडेंशली भी ब्रीफ जो है ना वो ब्रीच नहीं करना, ठीक है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, उसकी राजदारियों को मेंटेन करना है आपने, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो आपने प्रॉपरली करनी है, आपने अपने उसको एजुकेट करना है, ठीक है, अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे तो आपकी मिस्टेक है, डिसीजन प्रॉपर नहीं बना रहे तो मिस्टेक है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे तो आपकी मिस्टेक है, तो ये आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, इनको आपने अपने ध्यान में रखना होता है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं।